स्टूडेंट्स, अभी ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 28 7 -2 रेज टू पावर 5 और dfx और u की वैल्यू ये है। तो u की वैल्यू लिख सकते हैं, पहले तो u इज इक्वल टू 7x -2, तो du लेंगे हमारे पास तो 7 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो 7 dfx आ जाएगा। तो अभी ये वैल्यू पुट करते हैं अपने इसमें। तो एक और बात है, पहले हम इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डी एफ एक्स है, 7 नहीं है, तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/7 du इज इक्वल टू डी एफ एक्स। ठीक है, तो ये डी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट की 28 की जगह 28 आ गया, 28 को भी हम बाहर लिख लेते हैं और अंदर है ये सारे किसकी वैल्यू है, यू की, तो यू की पावर -5 और साथ में डी एफ एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, 1/7 du। तो डी यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और 1/7 यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये देखें 28/7 बन जाएगा 4, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है यू की पावर में एक इंक्रीज होता है, तो -5 + 1 क्या हो जाता है, -4, और इसी पावर से हम डिवाइड करेंगे तो -4 से डिवाइड करेंगे और प्लस सी। इंटीग्रेशन का रूल तो आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो -5 में एक इंक्रीज किया, -5 + 1, तो वो -4 बन गया, इससे हमने डिवाइड किया ये आ गया। तो ये देखें 4 4 से कट गया, तो ये आ जाएगा -u^-4 + c, तो ये आ जाएगा -u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर से देखते हैं 7x - 2 और पावर -4 है और प्लस c है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।